तो भाइयों ड्रैगन बॉल सीरीज में काफी दफा टाइम के साथ छेड़छाड़ की गई है। बुलमा की टाइम मशीन, सुप्रीम काइस की टाइम रिंग, विस का टाइम रिवाइंड और हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर कुछ एग्जांपल्स हैं टाइम मैनिपुलेशन की। हमें पता है कि हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में बिताया गया एक साल रियल वर्ल्ड के एक दिन के बराबर होता है और विस की टाइम रिवाइंड टेक्निक टाइम को 2-3 मिनट पीछे रिवाइंड कर देती है। तो इन्हीं सब के बारे में सोचते सोचते आपके नेगस भाई के दिमाग में फिर से कुछ खुराफाती ख्याल आया। क्या हो अगर हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर के साथ विस टाइम रिवाइंड करे? हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर पर इसका क्या असर पड़ेगा? जो लोग हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर पर मौजूद होंगे उनके साथ क्या होगा? क्या होगा अगर विस खुद टाइम चेंबर के अंदर आके 3 मिनट का टाइम रिवाइंड करे? ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है मेरे भाइयों, इसलिए लाइक तो पहले ही ठोक डालिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि हमारी सुपर सैयन आर्मी को आप जैसे सैयन्स की बहुत जरूरत है। तो पहले समझते हैं कि ये हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर असल में है क्या। इसे रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम भी कहा जाता है। ये एक ऐसा रूम है जो कि अलग ही एक टाइम डायमेंशन में मौजूद है। इसकी बिल्डिंग के दोनों साइड ये सैंड क्लॉक्स हैं। एक सैंड क्लॉक अंदर का टाइम बताती है और दूसरी क्लॉक बाहर रियल वर्ल्ड का टाइम बताती है। इस रूम के अंदर का टाइम कॉम्प्रेस्ड है और रियल वर्ल्ड में सिर्फ एक दिन खत्म होने पर अंदर एक साल बीत जाता है। 1 मिनट में 6 घंटे 5 मिनट बीत जाते हैं और 1 सेकंड में 6 मिनट तक का समय बीत जाता है इस टाइम चेंबर के अंदर। अब सपोज करो भाइयों कि गोकू और वेजिटा टाइम चेंबर के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं और बाहर विस आ जाता है और पता नहीं किस रीजन से, हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, बट जस्ट लेट्स सपोज कि किसी रीजन से विस टाइम रिवाइंड करता है 3 मिनट्स का रियल वर्ल्ड में, तो टाइम चेंबर के अंदर 3 मिनट्स होते हैं 18 घंटे और 15 मिनट, यानी कि विस का सिर्फ 3 मिनट का टाइम रिवाइंड हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर के अंदर हो रहे इवेंट्स को 18 घंटे पीछे ले जाएगा। ये सोचने में कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना भाइयों कि बिना टाइमलाइन चेंज किए हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर की मदद से विस अपनी टाइम रिवाइंड टेक्निक को 365 टाइम्स ज्यादा बढ़ा सकता है। रियल वर्ल्ड में 3 मिनट पीछे जाने पर हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर के अंदर 18 घंटे तक का समय पीछे हो जाएगा। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन की है वो काफी इजी थी, सब कुछ इजीली समझ आ गया होगा आपको, लेकिन अब हम करेंगे थोड़ी और डाउट्स की क्लैरिफिकेशन जो कि दिमाग का दही कर सकती है, इसलिए दिमाग को सुपर सीएन बना के वीडियो को अब पूरे ध्यान से देखो। पहला डाउट ये कि भाई अगर वेस हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर के अंदर जाके टाइम रिवाइंड करे तो बाहर की दुनिया में क्या फर्क पड़ेगा? तो उसका जवाब है भाइयों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर के अंदर जब 6 घंटे बीतते हैं, ध्यान देना, हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर के अंदर जब 6 घंटे बीतते हैं तब जाके बाहर की दुनिया में 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स बीतते हैं, है ना? बिल्कुल सिंपल सी बात है, बाहर का 1 मिनट बराबर है अंदर के 6 घंटे के बराबर। लेकिन जब इस टाइम चेंबर के अंदर सिर्फ 1 घंटा बीतता होगा तब बाहर 10 सेकंड बीत चुके होंगे। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाइयों, अगर अंदर के 6 घंटे बराबर है बाहर के 60 सेकंड के, तो अंदर का 1 घंटा बराबर होगा बाहर के 10 सेकंड के। अब विस तो सिर्फ 3 मिनट तक का टाइम रिवाइंड कर सकता है और हमें पता है कि अंदर का 1 घंटा यानी 60 मिनट बाहर के 10 सेकंड के बराबर है, तो इसी रिलेशन से मैं ये पता लगाता हूँ कि अंदर का 1 मिनट रियल वर्ल्ड के 0.1666 सेकंड्स के बराबर होगा और हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर के अंदर जब विस का टाइम रिवाइंड 3 मिनट पीछे हो जाएगा तो बाहर रियल वर्ल्ड में जो समय रिवाइंड होने वाला है वो होगा केवल 0.5 सेकंड्स मेरे भाइयों। तो हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर के अंदर विस का 3 मिनट का टाइम रिवाइंड बाहर की दुनिया को सिर्फ 0.5 सेकंड्स ही पीछे ले जा पाएगा, जो कि कुछ भी नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाइयों। आई होप ये सिंपल सी एनालिसिस सबको समझ आई होगी, सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड का लॉजिक है। तो हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर के साथ टाइम रिवाइंड तब असरदार है जब विस रियल वर्ल्ड से टाइम को रिवाइंड करे। अब आते हैं डाउट नंबर 2 पर और ये सबसे कंफ्यूजिंग होने वाला है मेरे भाइयों, अब तो अपने दिमाग को सुपर सीएन गॉड तक के लेवल तक ले जाओ। तो अभी मैंने कैलकुलेशन करके बताया कि अगर विस रियल वर्ल्ड में 3 मिनट का टाइम रिवाइंड करेगा तो हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर के अंदर गोकू और वेजिटा 18 घंटे पीछे रिवाइंड हो जाएंगे, यानी कि इन 18 घंटों में इन दोनों ने जो कुछ भी किया होगा, जो भी ट्रेनिंग की होगी, अब ये इन्हें दोबारा करनी पड़ेगी और इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि टाइम रिवाइंड हो चुका।
चुका है। लेकिन सपोज कि अभी गोकू और वेजिटा को ट्रेनिंग के लिए अंदर गए हुए सिर्फ 12 घंटे हुए हैं मेरे भाइयों, और अगर बाहर से विस 3 मिनट का टाइम रिवाइंड करेगा तो आप बताओ क्या होगा। वीडियो को पॉज करके खुद सोचो और फिर मैं आंसर बताऊंगा। तो आई होप आपके सुपर सीएन गॉड दिमाग ने अपने लिमिट्स को पुश करके सही आंसर ढूंढ लिया होगा। तो देखो, रियल वर्ल्ड में विस का 1 मिनट का टाइम रिवाइंड अंदर 6 घंटे का टाइम रिवाइंड होगा, 2 मिनट का टाइम रिवाइंड अंदर 12 घंटे का टाइम रिवाइंड होगा, और 12 घंटे पहले ही तो गोकू और वेजिटा इस दरवाजे से अंदर गए थे ट्रेनिंग के लिए। तो 2 मिनट के टाइम रिवाइंड होते ही गोकू और वेजिटा इस गेट से वापस रियल वर्ल्ड में आ जाएंगे, और अब लास्ट 1 मिनट का टाइम रिवाइंड सबके लिए नॉर्मल होगा क्योंकि इस एक लास्ट मिनट में सबके सब रियल वर्ल्ड में हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि टाइम की स्टार्टिंग और एंडिंग सिचुएशंस क्या हैं। तो एक बार समराइज करते हैं पूरी वीडियो को। रियल वर्ल्ड में विस के 1 मिनट का टाइम रिवाइंड हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में 6 घंटे तक के टाइम को रिवाइंड कर सकता है, लेकिन विस अगर हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर के अंदर टाइम रिवाइंड करेगा तो रियल वर्ल्ड में इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा और दोनों ही जगहों में टाइम अपने हिसाब से काम करेगा। अगर गोकू और वेजिटा को टाइम चेंबर में गए हुए 12 घंटे हुए हैं तो जब विस 3 मिनट का टाइम रिवाइंड करेगा रियल वर्ल्ड में तो स्टार्टिंग के 2 मिनट यानी टाइम चेंबर के अंदर के 12 घंटों में गोकू और वेजिटा टाइम चेंबर से बाहर आ जाएंगे और लास्ट का 1 मिनट सबके लिए नॉर्मली रिवाइंड होगा। तो आई होप ये वीडियो सबको अच्छा लगा होगा और हमने कुछ नया और इंटरेस्टिंग शायद डिस्कस किया होगा। अगर मेरी एनालिसिस और ये खुराफाती रिसर्च आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के ऑल बटन को जरूर दबाना। और बहुत लोग कहते हैं कि नेगस पूरा साइंस में घुस जाता है, तो इस वीडियो को मैंने उतना साइंटिफिक लेके डिस्कस नहीं किया है। हालांकि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट से, बट इस डिस्कशन को हम उतनी दूर लेके नहीं गए। लेकिन अगर आप लोग कहें तो आई कैन एक्सप्लेन वेरी वेल कि ये हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर असल में काम कैसे करता है और यहां पर टाइम में इतनी वेरिएशन क्यों होती है। तो कमेंट्स में बताओ कि ये वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं पहले ही बता दूं भाइयों, मैं अच्छे से साइंटिफिकली एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो हाँ यार, फिर अभी के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।